ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने हमारा बिल्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये सर का पूरा पीसी बिल्ड है। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था रिगार्डिंग दिस होल कंप्लीट पीसी बिल्ड? जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है न्यूरोलॉजिस्ट सिद्धार्थ वॉरियर सर का कंप्लीट पीसी बिल्ड है, तो प्रतीक भाई हम लोग अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? सर बहुत शॉर्टली आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट्स वाइज। जैसे प्रोसेसर हमने यूज किया दैट इज कोर i7 12700K जिसकी कॉस्टिंग है 34,250। मदरबोर्ड असूस की तरफ से दैट इज Z690 प्लस वाईफाई D4, ये बोर्ड की कॉस्टिंग है 25,100। मेमरीज में जो हमने यूज करा है वो T4 डेल्टा से हमने यूज करा था, दैट इज 16GB 3600 मेगाहर्ट्ज की दो स्टेक्स है, दैट इज 32GB किट, उसकी कॉस्टिंग है 8400, तो 4200 इज फॉर फर्स्ट स्टेक। उसके बाद स्टोरेज में हमने एक्चुअली दो यूज करी है, वन इज SN570 दैट इज Gen 3 एंड एक फिर यूज करा है S50 Lite। अगर SN570 की कॉस्टिंग की बात करो दिस वाज 5550 विद 5 इयर्स वारंटी, और हमने S50 Lite भी यूज करा है दैट इज आल्सो अगेन 1TB Gen 4 है दैट इज 5650। उसके बाद ओमकार भाई मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने कैबिनेट जो यूज करा दैट इज कूलर मास्टर MB520 ARGB विद 3 फैंस। कैबिनेट की कॉस्ट की बात करो तो ये 7300 का है सर। उसके बाद ग्राफिक कार्ड पे आता हूं, Zotac की तरफ से RTX 3080 10GB ट्रिनिटी कार्ड है ये, इसकी कॉस्ट की बात करो 66650 विद 5 इयर्स वारंटी। Zotac आप इसको रजिस्टर करेंगे 5 साल वारंटी। सिर्फ ग्राफिक कार्ड को रजिस्टर नहीं करें, सारे प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना, मैं खाली एक छोटी वापस बात रखना चाहता हूं। इसके अलावा फिर मैं बात करूंगा पावर सप्लाई, दैट इज कूलर मास्टर 750 गोल्ड AD+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ है, फुल्ली मॉड्यूलर। अगर इसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूं दैट इज फॉर 8500। फिर कूलर की बात करेंगे ओमकार भाई, तो ये कूलर मास्टर की तरफ से आया हुआ है ML240 इल्यूजन ARGB 240mm लिक्विड कूलर सर, काफी अच्छा है, काफी प्रिटी लुक्स है। ARGB जो इसकी जो इफेक्ट है लाइट्स की वो भी काफी प्यारे है, काफी अच्छी ब्राइटनेस है इसमें, दैट इज फॉर 9050। और फिर उसके बाद बात करता हूं, हमने एक माउस भी उनको दिया हुआ है दैट इज ओरिची V2 रेजर की तरफ से, दैट वो 3750। इसके बाद एक मॉनिटर भी है ओमकार भाई, दैट इज Asus का VG27AQL, ये मॉनिटर हमने उनको दिया हुआ था जिसकी कॉस्टिंग है 28,350। ओके, तो सर एक कंप्लीट पीसी बिल्ड का क्या कॉस्टिंग जा रहा है? सर तो ये टोटल पीसी का कॉस्ट गया दैट इज 2,205,50 ऑल इंक्लूसिव। ओके, तो गाइस ये था कंप्लीट पीसी बिल्ड सिद्धार्थ सर का, और अभी हम लोग देखते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या था कंप्लीट पीसी बिल्ड के बारे में और कंप्लीट पीसी बिल्ड कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने हमारा बिल्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये सर का पूरा पीसी बिल्ड है। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था रिगार्डिंग दिस होल कंप्लीट पीसी बिल्ड? वेरी गुड, यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब। आपने पूरा समझाया मुझे कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे जा रहा है, क्यों ऐसे फिक्स हो रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। मुझे गेमिंग करना बहुत पसंद है एंड दिस हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सो थैंक यू सो मच। प्लस सर, यू आर स्टार्टिंग योर गेमिंग चैनल नाउ, तो कौन से गेम्स खेलने वाले हो, ये कुछ अपने से कुछ प्लान किया है अभी? मेरा अभी मेन प्लान तो वैलोरेंट कंटिन्यू करना है, GTA 5 मुझे डेफिनेटली खेलना है, बहुत दिन से रुका हूं। ओके, थैंक यू सो मच सर। और गाइस ये था ये पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।